नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का समास, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर रहेगा। कि हमारे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे जो हिंदी में बनते हैं, सिचुएशंस पुट अप होते हैं, वो हमारे यहाँ जो संधि है, समास है, अलंकार है, रस है, यहाँ से बहुत सारे हमारे हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम से एग्जाम हो या नॉन लिखित एग्जाम हो, सब में बनते हैं। तो हमारा संधि का कम्प्लीट हो गया था, हमने 3 वीडियोज में हमने क्या है हमारे साथ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को कंप्लीट किया है। जिसने भी आपका संधि जिसको भी करना है और नहीं किया है, नहीं देखी वीडियो, जाके वो चेक कर लेना। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से तीनों संधि के टाइप को एक्सप्लेन किया। तो संधि हमारे कंप्लीट होते हैं, उससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं समास। समास से रहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा टॉपिक हो जाएगा समास, ठीक है। समास क्या होता है, समास का मतलब क्या है, समास का मतलब भी क्या होता है, संक्षेप करना, संक्षेप करना, संक्षेप का मतलब छोटा करके लिखना। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है, सार्थक का होता है ना, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ऐसे नहीं कि आपने किन्हीं दो शब्दों को मिलाया कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया कहते समास हो गया, ऐसे नहीं। मतलब दो या दो अधिक शब्दों को आपने मेल किया और उनसे मिला के जो नया शब्द बनेगा वो सार्थक, मतलब सब कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा। स अर्थ, अर्थ मतलब आपको पता है कि मीनिंग, और स में उसका बिल्कुल अर्थ होगा। तो जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज जो मेन है ध्यान रखना, कई बार पेपर पूछ लेता है कि संक्षेप किसके लिए यूज करते हैं, संधि के लिए, समास के लिए। तो संक्षेप का मतलब एक छोटा होना है, तो संक्षेप समास के लिए हम यूज करते हैं, समास का अर्थ संक्षेप, मतलब छोटा करके लिखना। दो या दो शब्दों को मिलाकर उनके बीच में जो भी विभक्ति है उसका आप लोप कर देते हैं। और आप जैसे राजकुमार आपने लिखा, उदाहरण के लिए मैंने तो जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर हम कहते हैं, मैंने लिख दिया राजकुमार, यहाँ पे एक वर्ड क्या है, राज, एक है कुमार, उनको मिला के क्या है, राजकुमार। तो राजकुमार का मतलब क्या होता है, राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा, ठीक है। राजकुमार मतलब राजा का बेटा, राजा का पुत्र, राजा का कुमार, ठीक है। लड़की के लिए कुमार, लड़की के लिए कुमारी बड़ी यूज करते हैं ऐसे। तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जो का विभक्ति थी ना उसका हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, उसको यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे राजा का कुमार जगह एक वर्ड यूज कर दिया, राजकुमार। तो जैसे हम राजकुमार बोल रहे हैं समझ आएंगे, राजा के बेटे के वर्ड यूज हुआ है राजकुमार। ये कहते हैं गगनचुंबी, तो गगनचुंबी मतलब आपने बहुत जगह हम जो हिंदी साहित्य में कहीं पे न्यूज पेपर वगैरह में हम पढ़ते हैं गगनचुंबी वर्ड लिखा जाता है, गगनचुंबी मतलब गगन का मतलब होता है आकाश, ठीक है। चुंबी का मतलब चूमने वाले कि गगन को चूमने वाले कि इतनी ऊंची इमारतें जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गगन को, आकाश को छूने वाले, चूमने वाले, तो उसको हम बोलते हैं गगन चुंबी। जिसका अगर हम विग्रह ग्रंथ कहते हैं गगन को चूमने वाली या छूने वाली ऐसा लगने वाले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गगन को चूमने वाली वो क्या होता है, गगन चुंबी बड़े यूज हो जाएगा उसके लिए। तो इसमें गगन को चूमने वाले, तो ओ वाली हमने क्या डेलिनेट कर दिया, उसके लिए वर्ड यूज कर दिया गगन चुंबी इमारत। मतलब किसी बर्ड बड़े बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ और आपको कहना है बहुत ही ऊंची इमारत है, ऐसे गगन चुंबी इमारत है, मतलब आकाश को छूने वाले वो इमारतें थी। तो वहाँ पे वर्ड जो यूज करें वो यूज करेंगे गगन चुंबी। तो ये क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये समास है कि आपने इस वर्ड जगह राजा का कुमार या गगन को चूमने वाली जगह आपने यूज कर दिया गगन चुंबी, इसलिए भी यूज कर दिया राजकुमार। तो ये क्या हो गया, मैंने समास हो गया। तो समास में क्या होता है, दो या दो
अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को एक जो एक नया शब्द बनता है, एक सार्थक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, तो संधि के अंदर क्या होगा, संधि के अंदर भी तो हम क्या करते हैं, हम शब्दों को जोड़ लेते हैं, उसको जोड़ के हम नया शब्द बना लेते हैं। संधि का मतलब क्या है, जोड़ना, और यहाँ पे समास का मतलब क्या है, संक्षेप में छोटा वर्ग लिखना। तो दोनों में कर क्या रहे, जोड़ ही रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है समास और संधि के अंदर। जो देखो संधि के अंदर जो होता है ना, वहां पर हम वर्णों को क्या करते हैं, संधि के अंदर हम वर्णों को मेल करते हैं, और जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, वो हमारे वर्ण के अंदर होते हैं। तो संधि की अगर हम बात करें ना, डिफरेंस की बात करूँ, हम संधि और समास में क्या होता है, तो संधि के अंदर जो मिलान होता है वो किसका होता है, वर्णों का होता है, वर्णों का मिलान होता है। जो परिवर्तन होता है वो भी किस में होता है, वर्णों में होता है। लेकिन समास के अंदर क्या होता है, जो मिलान होता है वो शब्दों का होता है, और उनसे मिलकर एक नया शब्द बनता है। ठीक है, समास और संधि में क्या डिफरेंस है कि समास में हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं, और संधि के अंदर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों, मतलब दो वर्णों के मेल से नया वर्ण, मतलब जो परिवर्तन होगा, जो चेंजेस होगा, वो हमारा वर्ण में होगा। ठीक है, तो संधि और समास में ये डिफरेंस रहेगा हमारा, यहाँ पर शब्दों का मेल है, यहाँ पर वर्णों का मेल है, मतलब दोनों में हम जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे संधि के अंदर संधि विच्छेद होता है, एक संधि होती है, संधि का मतलब जोड़ना, एक संधि विच्छेद होता है जिसका मतलब है कि आपको तोड़ना है, फिर उनको शब्दों के अंदर तोड़ना है, वो हमारा संधि विच्छेद है। ऐसे ही समास के अंदर क्या होता है, एक समास होता है, समास का मतलब है संक्षेप करना, छोटा करना, उसको मिला के नया एक छोटा शब्द लिखना, और समास का विग्रह बोलते हैं। जैसे संधि में संधि विच्छेद बोलते हैं, यहाँ पे समास और समास का विग्रह बोलते हैं। तो समास का विग्रह में क्या होता है, हम जो एक जो ये शब्द है आपको कह देंगे इसका समास का विग्रह करके दिखाऊं, तो आपको क्या लिखोगे, राजकुमार राजा का कुमार, गगनचुंबी गगन को छूने वाली, ऐसे कुछ भी दे सकता है, रसोई घर रसोई के लिए घर, या फिर आप क्या कह सकते हो, नील कमल नीला है जो कमल। तो समास विग्रह क्या होता है कि आप उसको क्या करते, जो आपका संक्षिप्त रूप है उसको ओपन करके एक्सप्लेन करके एक्सपेंड करके लिख देते हैं पूरा पूरा कि इसका मतलब क्या होगा। अगर जिसका विग्रह करूंगी तो विग्रह क्या हो जाएगा, गगन को छूने वाली, या नीला है जो कमल, या रसोई घर के लिए है तो रसोई के लिए घर, विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा समास और संधि, दोनों में क्या कनेक्शन था कि समास में हम क्या करेंगे, शब्दों का मेल करेंगे, नया सार्थक शब्द बनाएंगे, और संधि के अंदर हम वर्णों का मेल करेंगे, और जो परिवर्तन होगा वो हमारा किसमें होगा, वर्णों में ही होगा। ठीक है, तो समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त करना, और समास का विग्रह क्या होता है, विग्रह, समास का विग्रह क्या होता है, शब्दों को तोड़ के लिखना। ठीक है, आप शब्दों को एक्सप्लेन करके लिखते हैं, उसको समास का विग्रह कहते हैं। तो पहले समास के विग्रह में क्या है, समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को, समस्त पद को, समस्त में एक साथ एक, समस्त पद को अलग अलग करके, अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया समास का विग्रह कहलाती है, समास का विग्रह कहलाती है। विद्यालय जिसका विग्रह करो, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब स्थान होता है, तो विद्यालय का मतलब है विद्या के लिए, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए स्थान, जहां पे पढ़ाया जाता है, पढ़ी शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसको बोलते हैं विद्यालय। ऐसे रसोई घर होगा तो रसोई घर, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रसोई मतलब खाना बनाने की, रसोई के लिए घर, रसोई घर। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कराएगा, हमारा विग्रह कराएगा। ठीक है, समास का विग्रह कराएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समास का विग्रह। उसके बाद आपका आ जाता है कि हमारे यहाँ पर मेन चीज क्या है, अभी एक चीज है विद्या, एक है यहाँ पे अल्य, यहाँ पे रसोई और क्या है घर। तो हमारे समाज के अंदर क्या होता है, मेन चीजें कि दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। हमसे पूछा जाता है कई बार समाज की डेफिनेशन पूछ जाती है कि
कि जैसे समाज के हमारे 6 टाइप होते हैं, तो कौन से समाज के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है, किस टाइप के अंदर हमारा उत्तर प्रधान होता है, कहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे समाज की अलग अलग टाइप होती है। तो हमारे समाज की क्या है, 6 टाइप होती है। अगर हम समाज को अगले प्रकार में डिवाइड करेंगे तो समाज कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन सा पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद है, या किसकी प्रधानता है, यहाँ पर वो पूछा जाता है। तो विद्यालय में क्या, विद्या के लिए आलि, किसके लिए, विद्या के लिए क्या आलि, प्रधानता किसकी है हमारी, उत्तर पद की है कि पूर्व पद के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, किसके ऊपर एक्सरसाइज के द्वारा है, आलय के ऊपर, घर के ऊपर। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बाद वाला पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान का मतलब समझो यहाँ पे क्या है, प्रधान का मतलब मुख्य गुण, कि किसके बारे में बात हो रही, कि किसके बारे में, घर की बात हो रही, कौन सा घर, जो रसोई के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे मुख्य घर है, आलय है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पद प्रधान है हमारा, उत्तर पद प्रधान है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, हम जो हमारी 6 टाइप है, पहले 6 टाइप बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं कि किस टाइप के अंदर हमारा कौन सा पद प्रधान होता है। फिर मैं बता दूँ आपको कि समाज के अंदर कितनी टाइप होती है हमारी, 6 टाइप होती है। वर्णन करके सारे डिस्कस करेंगे, पहले मैं बता देती हूँ हमारे समाज किस तरह के होते हैं, 6 टाइप आप कह सकते हो। समाज के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, समाज के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, थर्ड आपका कर्मधारय समास, फोर्थ है आपका, फोर्थ है आपका द्वंद्व समास, फिफ्थ है आपका द्विगु समास, और सिक्स्थ है आपका बहुव्रीही समास, ठीक है। ये हमारे क्या है, समास के 6 भेद होते हैं। हम वर्णन करके सबको डिस्कस करेंगे, सबके एग्जांपल्स करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है समास, जिसने अगर किया नहीं है तो उसको लग सकता है कि समास चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन जिसने अब तक किया नहीं, उसको ये थोड़ा पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ आ रहा है मुझे कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स सब रिपीट होते हैं, इसमें भी आ जाता है, उसमें भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो पहचानना होता है कि कौन सी टाइप है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो विग्रह पर डिपेंड करता है। जो आप विग्रह कर रहे हो ना समाज में, उससे पहचानना हमारे लिए ईजी होता है कि किसकी टाइप है। सिर्फ जो शब्द दिया होगा ना, वो शब्द क्या हो सकता है, दिनों में या 2-3 एग्जाम्पल्स में रिपीट हो सकता है कि वो द्विगु में भी आ गया, या फिर वो बहुग्री में भी आ गया, या फिर वो अव्यय भाव में आ गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैम ये एग्जाम्पल तो मैंने उसमें भी पढ़ा था, अरे ये एग्जाम्पल मैं कर्म सारे में पढ़ रहा हूँ। तो जो पहचानना होता है वो किससे ईजी होता है, हमारा विग्रह से होता है। तो अगर आपके किसी भी शब्द का विग्रह करके दिया है तो आपको बहुत ईजी हो जाता है पहचानना कि किस कौन से समाज की वो टाइप है, 6 टाइप से वो कौन से समाज का एग्जाम्पल या उदाहरण है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम 6 टाइप देखी, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास एंड बहुव्रीही समास आपका, उत्तर पद प्रधान होगा। तो पहले तो हमें पद क्या होते हैं, पद तो मतलब जो आपके जो संयुक्त शब्द है इसमें जो आपके दोनों यूज हो रहे हैं वो पद होते हैं, ठीक है। पद का मतलब, वैसे तो हम बाकी की सेंस से बात करें ना, तो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले हर एक शब्द को आप क्या नाम देते हो, पद का नाम देते हो, ठीक है। इंडिविजुअल कोई शब्द है ना तो उसे शब्द कहलाएगा, लेकिन यदि कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वहां पर वो क्या बन जाता है, हमारा पद बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं सारे क्या है,
पद कहलाएगा। वैसे कोई सेंटेंस में अगर सिर्फ आता घर लिखा होता तो घर क्या हो जाता, शब्द हो जाता हमारा। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में हमारे प्रयोग होता है तो वो हमारा पद कहलाता है। तो अभी यहाँ पर ये समास में क्या है कि दो या तीन शब्द से ज्वाइन करेंगे, दो शब्दों के ज्वाइन से मेल से एक नया शब्द बना है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर दोनों के हैं पद कहलाएंगे। एक जो पहले आएगा उसको पूर्व पद बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। जैसे आपका राजकुमार हमने पढ़ा था, या गगन चुंबी हमने पढ़ा था, राजकुमार के लोग, या फिर गगन चुंबी। तो यहाँ पर एक तो गगन है और एक चुंबी। गगन का मतलब आकाश और चुंबी चूमने वाला। राज राजा, कुमार माने लड़का, तो राजकुमार। तो यहाँ पर ये क्या है, जो पहले आता है वो तो होता है पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। ऐसे ही गगन चुंबी में जो पहले आता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद में आएगा उसको बोलेंगे उत्तर पद। तो ये इसको सिर्फ आप नॉर्मल सी बात समझे, पूर्व पद उत्तर पद तो कोई चक्कर है ये, जो पहले आएगा वो पूर्व है, जो बाद में आएगा वो उत्तर है, ठीक है। अब लेकिन हमें देखना क्या है कि इन छह टाइप में आपसे पूछ लिया जाएगा किस समास के अंदर हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, या किस समास के अंदर हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, या किस समास के अंदर हमारा कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा कोई अन्य पद भी प्रधान होता है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो एक बार मैं लिस्ट बता देती हूँ आपको, आपके लिए याद करना इजी रहेगा। बाकी जब हम वन वन करके टाइप करेंगे तो मैं वहां पे समझा दूंगी कि कैसे यहाँ पे पूर्व पद प्रधान है, कैसे यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कि हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। इच्छा लिखिए, इरेज कर देती हूँ इनको। हम अभी क्या लिखेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, कि हम कैसे बताएंगे कि किसके अंदर कौन से में पहला प्रधान है, दूसरा प्रधान है, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान फर्स्ट है, पूर्व पद प्रधान कौन से समास में होता है, इसके आगे हम समास का नाम भी देंगे। फिर है उत्तर पद, मैंने देखा क्या समझ नहीं आ रहा, उत्तर साथ साथ बोल भी रही हुई है, डैडी समझ आया है तो देख लेना, बोल भी रही साथ में ध्यान दे लेना, उत्तर पद प्रधान। थर्ड है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। और फोर्थ है दोनों पद प्रधान ना होकर दोनों पद अन्य पद प्रधान, या फिर दोनों पद अप्रधान लिख दो, या तो अप्रधान या फिर अन्य पद प्रधान। अन्य पद होता कोई तीसरा ही पद, ना तो पहला पद होगा प्रधान, ना ही होगा दूसरा पद, कोई तीसरा ही जो हम पे है ही, ना फर्स्ट ना सेकंड, दो ही पद होते हैं, जो पहले आएगा वो पूर्व पद, जो बाद में आएगा वो उत्तर पद। तो ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा ही पद, किसी तीसरे के बारे में बात करें कोई तीसरा ही पद प्रधान है, तो उसको हम बोलेंगे अन्य पद प्रधान। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे समास हैं, तो जिसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है ना वो हमारा कौन सा होता है, अव्यय भाव समास, जिसमें पहले आने वाला पद प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं अव्यय भाव समास, ठीक है। उत्तर पद प्रधान किसके अंदर होता है हमारा, तत्पुरुष समास के अंदर, जो हमने दो एग्जांपल किए थे ना, गगन चुंबी गगन चूमने वाली और राजकुमार राजा का कुमार, वो दोनों के दोनों किसके उदाहरण थे, हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है हमारा, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला, जैसे रसोई घर था, रसोई के लिए क्या, रसोई के लिए घर, तो हमें प्रधानता किसकी है, घर की, ना कि रसोई की। गगन चुंबी गगन को चूमने वाली, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद उत्तर पद प्रधान में कौन सा है, तत्पुरुष कर्मधारय, कर्मधारय एंड द्विगु, इन तीनों समास के
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों में कौन प्रधान होता है? हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये तीनों के दोनों में कौन सा प्रधान होगा? बाद में आने वाला। ठीक है, पूर्व पद होता है पहले आने वाला, उत्तर पद होता है बाद में आने वाला। तो इन तीनों समास के अंदर बाद में आने वाला पद की प्रधानता होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद समास के अंदर। द्वंद समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कहते हैं माता पिता, माता पिता, लाभ हानि, लाभ हानि, दिन रात, दिन और रात, तो वो हमारे क्या होते हैं? द्वंद समास होता है, जहां पर दोनों पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। ना हम ये नहीं कहेंगे कि जो पहले आया वो मेन था या जो बाद में आया वो मेन था, वहां पे बराबर इक्वल रहता है। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो द्वंद समास के लिए एग्जाम्पल होते हैं ना, वहां पे उन दोनों शब्दों को लिखा जाता है, बस बीच में क्या लगा दिया जाता है? आपका योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जैसे ऐसे लिखा जाता है माता पिता या लाभ हानि, ये किसके उदाहरण है? तो ये हमारे किसके उदाहरण होते हैं? द्वंद समास के, जहां पर दोनों पद की इक्वल बराबर प्रधानता होती है, तो उसको बोलते हैं द्वंद समास। तो हम जब मैं करवाऊंगी डिटेल में तब बता दूं, अभी से अगर आपको बता रहे थे कि द्वंद समास में जहां दोनों पद प्रधान होते हैं कैसे लिखे जाते हैं, वहां दोनों पद क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं, बराबर का महत्व रखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है हमारा? वो होता है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास के अंदर क्या होता है? ना तो पहला पद प्रधान होगा, ना दूसरा पद प्रधान होगा, कोई अन्य ही पद प्रधान होगा। जैसे अब मैंने कह दिया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका मतलब अभी बात कर रहे हैं नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ जिसका? हम अगर आपको ये विग्रह दिया हुआ है नीला है कंठ जिसका, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं। नीलकंठ कौन है? हम ये वर्ड जो स्पेसिफिक है नीलकंठ, किसके लिए यूज करते हैं? हम भगवान शिव के लिए यूज करते हैं। तो अगर विग्रह हमारा ऐसे हो रखा है कि नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब है भगवान शिव, तो यहाँ पर प्रधानता नाम नीले की है ना कंठ की है, जो प्रधानता है किसके? भगवान शिव की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा बहुव्रीही समास, कि जहाँ पर ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है, और ना सॉरी ना पहला पद पूर्व पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है, जो प्रधानता है वो किसी अन्य पद की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, नीलकंठ आ गया, भगवान शिव के लिए यूज कर रहे हैं, लंबोदर आ गया, लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा उदर? पेट लंबा किसका? भगवान गणेश की बात हो रही है। ऐसे है पीताम्बर आ गया, पीले है वस्त्र जिसके भगवान श्री कृष्ण के होते हैं। चक्रधर आ गया, कि चक्कर है पाड़े में, जिसके चक्कर पाड़े, किसके हाथों में क्या है? चक्र है। तो ये सारे सारे क्या है? जब हमारे कोई शब्द कोई विग्रह है किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है, संकेत करते हैं, तो हमारा कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीही समास कहलाता है। तो एक बार ये लिस्ट ध्यान से देख लेना आप, कि जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है वहां पे द्वंद समास है, जहां पर दोनों ही पद अप्रधान होते हैं मतलब उनकी मुख्यता नहीं होती, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहां पे हमारा कौन सा समास होता है? बहुव्रीही समास होता है। और जहां पर हमारा बाद में आने वाला पद मेन होता है, मुख्य होता है, वहां पर हमारा तत्पुरुष समास हो सकता है या कर्मधारय हो सकता है या फिर द्विगु हो सकता है। तो हमारे उत्तर पद प्रधान वाले कितने समास होते हैं? तीन होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। और जिसमें पहला पद मेन होता है वो हमारा होता है अव्यय भाव समास। तो ये छह समास है जिनको हम बन बन करके डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये बन जाते हैं समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान। ठीक, अब बन बन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अव्यय भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी का मतलब पहले तो आपको मतलब ये वर्ड सुना हुआ लग पता होना चाहिए आपको कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय भाव समास क्या है? अव्यय क्यों लिखा गया है? तो कुछ तो रीजन होगा। अव्यय मतलब वो शब्द होते हैं हमारे जिनके ऊपर कोई भी विकार है कोई परिवर्तन, अविकारी शब्दों को हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, जिनके ऊपर भी संख्या, लिंग, वचन, काल या किसकी वजह से भी क्या है
आपका कोई भी विकार या कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको बोलते हैं अविकारी शब्द या अव्यय बोलते हैं। वो शब्द जिन पर लिंग वचन काल की वजह से कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो यहाँ पर अव्यभाव समास में इसका मतलब क्या है कि अव्यभाव समास में क्या है कि आपके जो पूर्व में क्या लगे रहेंगे, अव्यय लगे रहेंगे, जिससे हमें पहचान करनी है कि किसके एग्जाम्पल है अव्यभाव समास के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, अव्यभाव समास के अंदर क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्यभाव समास के अंदर क्या होता है आपका, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय की भांति परिवर्तित हो, जिस समास का कौन सा पद प्रथम या फिर पूर्व पद, प्रथम कह सकते हो या पूर्व, लिखना पूर्व से फैमिली हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय की भांति प्रयुक्त होता हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि इनमें क्या रहेगा, मैं कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ कि जिससे आपको पहचानना आसान रहेगा कि यदि हमारे स्टार्टिंग के अंदर उप अनुरूप यथा प्रति हर भर दर आ नी नी बे यस, ये वर्ड लिख लेना आप याद से कि उप अनु यथा प्रति हर भर दर आ नी नी बे यस, इनमें से कोई भी वर्ड चल कोई हमारा शब्द स्टार्ट होता है तो वो हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, अव्यभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। कैसे, वो हम वर्णन करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, उप है, तो उप से जैसे क्या बन गया, उप नयन, अनु से क्या बन गया, जैसे अनुसार, यथा से जैसे यथा शक्ति, प्रति से प्रति दिन, हर से हर एक कह सकते हो, ठीक है, या हर दिन कह सकते हो, भर से भर पेट, दर से दर असल, दरअसल मतलब वास्तव में, आ से आजीवन, नी से निरस, नी से छोटे नी से मतलब निडर निरस निडर, बे से बेघर बेशरम बेबस, स से सपरिवार, ठीक है, मैंने सबके के एग्जाम्पल बताए, जो भी मैंने आपको अव्यय लिखवाए हैं कि जिससे आप पहचान कर सकते हो कि वो अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है, आपको उनके अकॉर्डिंग मैंने हर एक का एक लिंक लिख दिया कि ऊपर से उपनयन हो गया अनु, ऐसे ये नहीं सिर्फ ये ही है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इन अव्ययों से आपके शब्द बन सकते हैं। तो जिनके भी आगे ये अव्यय लगे मिले हैं, आप उस शब्द को क्या होंगे, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है, जिसके अकॉर्डिंग हमें देख लिया उप का उपनयन, अनु से अनुसार, यथा से यथा शक्ति, ठीक है, यथानुसार, प्रति से प्रतिदिन, हर से हर दिन, या जो भी शब्द आपका हर से मिलकर बन सकता है स्टार्ट होके, भर से भर पेट, दर से दर असर, आ से आ जीवन, जीवन मतलब जीवन भर, आज जीवन मैं आपकी सेवा करूंगा जीवन, और आज मतलब पूरी जीवन भर, नी से निडर बिना डर के, निरस बिना
कि उसके अंदर कोई गुस्सा कोई रंग वो निरस्त हो जिसमें ना मैं कोई मजा नहीं आया, निरस्त थी मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थी वो चीज़। बे से मतलब बिना, बेबस बेघर बेशरम, किसी को उसके पास घर नहीं है, बेबस है वो, कोई सहारा नहीं है, बेशरम, ऐसे स से सपरिवार। तो ये आपको देखने में एक छोटा सा आप कह सकते हो आपको उपसर्ग की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है दो अलग अलग शब्द है जिनसे मिलकर एक नया ही अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है। वो हमारे क्या हो जाएंगे अव्ययीभाव समास के क्या हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फर्स्ट तो आप ये लो उप अनु यथा प्रति हर भर दर आनी नी बेस। आप दो या तीन बार इसको बोलोगे ना आपको माइंड में बैठ जाएगा, जैसे मुझे याद होगा उप अनु यथा प्रति हर भर दर आनी नी बेस, ठीक है। तो ये अगर लगे मिलेंगे तो क्या बताना है इसको अव्ययीभाव समास बताना है। सेकंड और कौन से जिनसे आपके अव्ययीभाव समास की पहचान हो सकती है वो हमारा लिखो। जैसे अंत में यदि पूर्व अनुसार या उपरांत आता है, अंत में यदि शब्द के लास्ट में, तो शब्द के स्टार्टिंग में मिल रहे हैं हमें, आगे लगे हुए मिलेंगे हमें पहचान करने का अव्ययीभाव समास। यदि शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है पूर्व लगा है, उपरांत लगा है या फिर अनुसार लगा है तो भी वो किसके एग्जाम्पल है हमारे, किसके एग्जाम्पल है अव्ययीभाव समास के। अंत में यदि पूर्व उपरांत या अनुसार मिल जाए तो भी आप उसको क्या कहोगे वो अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो कुशलता पूर्वक, पूर्वक से अगर हम वर्ड बताएं तो क्या आ जाएगा कुशलता पूर्वक। उपरांत की अगर हम बात करें तो तदोपरांत या वर्षोपरांत, तदोपरांत कह सकते हो या फिर वर्षोपरांत कि बहुत सालों के बाद वो आ गया, वर्षोपरांत, तदोपरांत या फिर वर्षोपरांत। और अनुसार की बात अगर हम करें तो अनुसार के अकॉर्डिंग क्या जाएगा आज्ञा अनुसार, जैसा मैंने कहा था उसने लिखा है क्या आज्ञा अनुसार। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अंत में यदि किसी भी शब्द के अंत में यदि पूर्व उपरांत या अनुसार मिल जाए तो हम उसको कहेंगे वो अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है। तो पूर्व से हो गया कुशलता पूर्वक, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, ऐसे उपरांत से हो गया तदोपरांत या वर्षोपरांत, अनुसार से हो गया आज्ञा अनुसार, ठीक है। तो ये भी हम किसकी पहचान है अव्ययीभाव की पहचान। ये जो लिखा है ना ये वन टू करके आपको इनको याद करना है, कीवर्ड्स है जिससे आप ये पहचान सकते हो कि अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है या नहीं। तो फर्स्ट हमारे ये हो गए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पांच शब्द ही है, इनसे स्टार्ट होकर शब्द बन रहे हैं और थ्री आपके यहाँ पे है 1 2 3 15 तो ये हो गए। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन को इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसकी जगह पे हम और देखते हैं और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो क्या है अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है या नहीं है। थर्ड है यदि पुनरावृत्ति वाले शब्द है, थर्ड है यदि अव्ययीभाव समास के अंदर बता रहे यदि पुनरावृत्ति वाले, पुनरावृत्ति वाले शब्द है तो भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। कैसे पुनरावृत्ति वाले शब्द कैसे, जैसे लिखा है रातों रात दिनों दिन या फिर पल पल, घर पल पल में उसकी चिंता नहीं रहती है, जल्दी जल्दी पल पल, तो जहां पर सेम शब्द आपका रिपीट होता है वो हमारे किसके एग्जांपल होते हैं। हम कह रहे हैं हाइपर लगा हुआ है ये तो आपने कहा था कि दंड में आता है, तो नहीं वहां पर जो शब्द होंगे वो दोनों शब्द डिफरेंट डिफरेंट होंगे और दोनों की क्या होगी इक्वल लेवल पे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है वो सेम शब्द रिपीट हो रहा है। तो जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी एक ही शब्द आपका रिपीट होगा वो हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। कई बार हम स्टे करते देखो तो रातों रात है एक दिनों रात है, दिनों रात के अंदर क्या है दिन और रात, और रातों रात में क्या है रात और रात, ये दोनों रात, तो यहाँ पर सेम शब्द ही रिपीट है, रातों रात अंदर रात और रात, दिनों दिन का होता है दिन और दिन, लेकिन दिनों रात का मतलब दिन और रात, तो यहाँ पर ये आपका अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा दिनों रात, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा।
हम जब ज्वाइन करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे, अभी एक बार बता देती हूँ बीच में आगे से, मैंने बता दिया आपको कि रातों रात में दोनों रात रात हैं, दिनों दिन में ही दोनों दिन दिन हैं, फिर पल पल जल्दी जल्दी, ये सारे सारे की किसमें आते हैं हमारे अव्यय भाव समास के उदाहरणों में आते हैं, अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। ठीक है, रातों रात दिनों दिन बातों बात पल पल धीरे धीरे, जो भी हम रिपीटिंग वाले वर्ड हिंदी में लिखते हैं ना धीरे धीरे चल रहा था, तो धीरे धीरे ये सारे कौन से हैं अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल कराएंगे। तो ठीक है, बस आपको अव्यय भाव समास में ये चीज याद करनी है, कोई लंबी जो डेफिनेशन है, फर्स्ट चीज क्या कि अव्यय भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अव्यय भाव समास के अंदर हमारा कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, पहले आने वाला पद, इनसे मेन चेंज हमारा होता है। तो आपको पूछा जाए किस समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है, तो आप कहोगे अव्यय भाव समास के अंदर। सेकेंड थिंग, क्या पहचान है उसकी, तो ये पहचान है आपकी, पहचान आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा उदाहरण आता है अव्यय भाव समास में, तो ये आपके तीन, ये वाले सारे सारे 12 वर्ड जो आपने 12 दिए थे, आगे उपसर्ग कह सकते हो, उपन यथा प्रति हर भर दर आ नी नी बेस ये, या फिर लास्ट में लगा हो पूर्व उपरांत या अनुसार, तो भी आपका अव्यय भाव समास, या फिर आपके शब्द रिपीट हो रहे हो, सेम शब्द आपको दो बार लिखा जा रहा है, पल पल धीरे धीरे जल्दी जल्दी दिनों दिन रातों रात, तो भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा, बस आपको एक वर्ड याद करने हैं, अव्यय भाव समास को ढूंढना डिफिकल्ट नहीं होगा। करते हैं सेकंड समास हमारा कौन सा, क्या लिखा था हमने अव्यय भाव के बाद, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट करेंगे तत्पुरुष समास के यहाँ, समास के अंदर हम करेंगे सेकंड वाला तत्पुरुष समास। किस कौन सी कैटेगरी में लिखा था हमने, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में हमारा बाद में आने वाला पद उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस समास में बाद का तो उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की कार्यचिन्ह का लोप होता है, कार्यचिन्ह देखो हम सब में लोप है, जितने समास है समास का मतलब क्या है, संक्षेप करके लिखना, तो जितनी भी कारक की विभक्तियां होती है उन सबका हम लोप कर देते हैं। कारक तो सबको पता होगा, तत्पुरुष समास में सारे कारक यूज होंगे हमारे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कारण से प्रदान के लिए आवेदन से या अलग होने की सेंस, से वर्ड यूज होगा या अलग, आवेदन से अलग संबंध का के या की लास्ट अधिकरण में या पर, ये क्या है कारक। अरे मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर ये कारक की विभक्तियां हमारी यूज होंगी, उसके अकॉर्डिंग तत्पुरुष समास की क्या हो जाएंगी आगे भी छह टाइप्स हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो तत्पुरुष समास में स्टार्ट जो होगा हमारा कर्म से स्टार्ट होगा, कर्म कर्ण संप्रदान आपदान संबंध और अधिकरण, कर्ता ने आदत ये चार है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान संबंध और अधिकरण के बारे में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास के है, जिस समास में मैं उत्तर पद या बाद में आने वाला पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का कारक चिन्हों का विभक्तियों का लोप होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है या फिर बाद में आने वाला पद प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास, और कारक चिन्हों का उसके बीच में क्या होता है, लोप होता है।
इस अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा सबसे पहला जो समास होता है कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को धारण क्या आएगा, कर्म की हमारी कार्यक्षण क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसकी जो कारक चिन्ह होगी वो क्या हो जाएगा हमारा को, कारक चिन्ह या विभक्ति क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे को। तो जो भी हमारे शब्द होंगे वो क्या हो जाएगा को से हमारे विभक्ति रहेंगे, ठीक है, वो हमारा कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। तो इसके अंदर अगर आपको लिखना है तो आप क्या कहोगे, कर्म तत्पुरुष है हमारा, इसमें कारक की विभक्ति का रूप हो जाता है, जैसे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाली, यश प्राप्ति, यश को प्राप्त, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह को होता है, तो इसके जो भी आप विग्रह करोगे वो किस हिसाब से होगा, जैसे गगन चुम्बी ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बता दी, फिर मैं एक बार आपको कनेक्ट कर पाऊंगी वही फिर से बता रही हूँ। गगन चुम्बी मतलब गगन को चूमने वाली, को आ गया यश प्राप्त, इसको बहुत यश प्राप्त हो गया, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, कौन सी व्यक्ति बीच में को। तो जो भी कर्म तत्पुरुष के उदाहरण होंगे वहां पर जो विग्रह करने पर जो विभक्ति मिलेगी हमें उन दो शब्दों के बीच में कौन सी मिलेगी, को मिलेगी, तो हम उसको कह देंगे किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, कर्ता ने कर्म को। तो जैसे आपको पूछा जाए कर्म तत्पुरुष क्या होगा तो आपको विग्रह करके देखना है, और यदि वहां पे आपको को विभक्ति मिलती है तो वो आप उसको क्या बोल दोगे, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण डाल दोगे। कर्म के बाद क्या है, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहां पे विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से, विभक्ति क्या हो जाएगी से, ठीक है, साधन के रूप में कह सकते हैं, जिससे आप कोई काम करते हो, जैसे राम ने फल को चाकू से काटा, ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा, तो जहां पर जो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है से वर्ड वहां पर उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, से किस चीज से वो काम किया गया, कलम से, राम कलम से लिखता है, तो कर्ण तत्व उसमें क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। इसके उदाहरण के अंदर आप क्या कर्म क्या आ जाएगा, जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण का मतलब करुणा से भरा हुआ, करुणा से पूर्ण, ठीक है। ऐसे ही शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक ग्रस्त, शोक में डूबा हुआ ना, तो शोक से ग्रस्त, और कह सकते हो ऋण युक्त, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, आगे इसमें बताऊं क्या डिफरेंस है। यहां पे क्या है, ऋण युक्त, ऋण से युक्त, मतलब जिसके ऊपर क्या है, सिर्फ कर्ज है, ऋण है, उसको बोलेंगे ऋण से युक्त, शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक में शोक से ग्रस्त, और करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, कर्ण तत्पुरुष के। तो कर्ण तत्पुरुष के अंदर जब हम किसी भी समास शब्द का विग्रह करेंगे तो जो विभक्ति चिन्ह हमें मिलेगी वो हमें से मिलेगी, ठीक है। तो करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो कर्ण तत्पुरुष की पहचान क्या रहेगी, से आपको ढूंढना है विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट है कर्ण के बाद क्या था, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष क्या है आपकी, तत्पुरुष समास कर रहे थे, तत्पुरुष समास कर रहे हैं, तत्पुरुष समास में नेक्स्ट है हमारी संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का होता है के लिए, किसके लिए कोई काम किया गया है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो संप्रदान तत्पुरुष में पहचान क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसमें, के लिए, संप्रदान में विभक्ति चिन्ह क्या है, के
लिए, तो जो भी आप विग्रह करोगे उसमें क्या आएगा, बीच में विभक्ति क्या मिलेगी आपको, के लिए मिलेगी। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय विद्या के लिए आलय, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। तो विग्रह करके आपको लेना है, विग्रह से आपको पता चलेगा कि आपको बीच में यहाँ पे कौन सी विभक्ति मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्य की पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पे के लिए आ रहा है, के लिए किसमें आता है, संप्रदान में आता है, संप्रदान मतलब के लिए, तो वहां पे विभक्ति होती है के लिए, तो ये किसका एग्जाम हो जाएगा, संप्रदान। और संप्रदान कौन सा, किसका टाइप होता है, तत्पुरुष का, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे इन शब्दों के लिए। या आप उसके संप्रदान के लिए और कह सकते हैं यज्ञशाला, यज्ञशाला, गोशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है। शाला मतलब रहने के लिए घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, जिसमें हम ये हमारे जो लेटर वगैरह जाते हैं ना, कोई पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोई चीज जाती है तो उसके लिए जो गाड़ी होती है, तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी कह सकते हो। ऐसे हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, पूछा जाए परीक्षा भवन में कौन सा समास है, तो आप सब तोड़ देखोगे परीक्षा भवन में था, जहां पर परीक्षा होती है परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा भवन के अंदर क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो सिर्फ आपको विग्रह करना आना चाहिए, जैसे आपको विग्रह करना आ जाएगा पहचानना फिर बिल्कुल आसान है। तो ये क्या है हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए, गायों के लिए शाला, रहने वाली जगह रहने की, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, और परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ये किसके उदाहरण थे हमारे, संप्रदान तत्पुरुष की। उसके बाद करते हैं अपादान तत्पुरुष क्या होते हैं, ठीक है, अपादान तत्पुरुष नेक्स्ट। अपादान तत्पुरुष में क्या है, अपादान तत्पुरुष विभक्ति क्या हो जाएगी, से या अलग होने का भाव, अलग से कह सकते हो, या फिर आप विग्रह करो तो आपको वो चीज क्या पता चलनी चाहिए कि उसमें कुछ अलग होने की सेंस है, दूर होने की सेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। देखो से विभक्ति हमारे कर्ण में भी आ रही थी और से विभक्ति हमारे अपादान में भी आ रही। अब हमें कैसे पता चलेगा विग्रह करने में ये सब कर्ण वाला है ये सब अपादान वाला है, ठीक है। जहां पर से अलग होने की, जुदा होने की सेंस होगी ना, अलग होने की, तो हम उसको बोलेंगे अपादान तत्पुरुष। लेकिन अगर कोई चीज उसके साथ जुड़ी होने की अगर संभावना होगी और उससे विभक्ति आ रही है तो हम उसको बोलेंगे कर्ण। जैसे था शोक ग्रस्त, शोक में डूबा, शोक से ग्रस्त, शोक से क्या था, दुखी था, ग्रस्त था, तो वहां पे क्या है, शोक दुख उसके साथ है अभी, वो शोक से ग्रस्त है। या फिर आप एक और व्यस्त धारण से है ऋण मुक्त, एक है आपका ऋण युक्त, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। एक तो है ऋण मुक्त कि मैंने तो अपना सारा ऋण से मुक्त हो गया, मैंने सारा जितने पैसे मैंने लिया उस बात मैंने सबको वापस कर दिया, अब मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, तो मैं ऋण से मुक्त हूं, तो ऋण से मुक्त। और एक आपका ऋण युक्त, ऋण से युक्त, अरे मेरे सिर के ऊपर तो बहुत सारा ऋण है, कर्जा है, मैं इतना पैसा ले रखा है, तो ऋण से युक्त, दोनों में से एक व्यक्ति आ रही है, जो वर्ड लिखा था एडिटिव लिखे हुए। अभी हमें पहचान कैसे करनी है वो आपको ये चीज समझनी है, बस इसको आप ये चीज समझ आ गई तो आपको कर्ण तत्पुरुष का और अपादान तत्पुरुष का अंतर समझ में आ जाएगा। तो ऋण से मुक्त मतलब अब आपके सिर के ऊपर कोई ऋण नहीं है, आप तो आपके साथ नहीं है, ऋण आपसे अलग हो गया है, दूर हो गया है, ऋण सारे हट गए हैं, तो ऋण से मुक्त। तो इसके अंदर जो ये जो धारण है किसका है, अपादान तत्पुरुष का है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या, ऋण युक्त, अभी भी आपके सिर के ऊपर बहुत सारा ऋण है, ऋण से युक्त होकर जो है आपके ऊपर ऋण युक्त, तो ये आपका जो धारणा है
वो आपका कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। इस उदाहरण को याद रख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से क्या कहना चाह रहे हैं आप, फिर अपदान और कर्ण तत्पुरुष के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जहां पर भी आपकी सेल भक्ति आ रही हो लेकिन जो सेंस हो वो अलग होने की, जुदा होने की हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अपदान तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए या आंधी से बोर्ड नीचे गिर गया, तो जो बोर्ड था वो क्या आंधी से नीचे गिर गया, वो टूट के अलग हो गया, तो वहां पर जो समास होगा वो क्या होगा हमारा, अपदान कहलाएगा, ना कि कर्ण। से दिख गया आंधी से आम टूट गए, वो साधन हो गया, साधन नहीं, आम से पत्ते टूट के नीचे गिर गए, तो आम जो पत्ते थे वो पेड़ से टूट के कहां है, उससे पेड़ से अलग हो गए, जुदा हो गए, तो वहां पर हमारा समास हो क्या होगा, अपादान होगा। ठीक है, तो जहां पर भी अलग होने की, जुदा होने की सेंस होगी निकल के आएगी, वहां पर क्या करके आएंगे, अपादान करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों में विभक्ति क्या होती है हमारी, सेम रहती है। ठीक है, जैसे धन हीन है, धन से हीन, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपसे अलग हो गया पैसा, धन से आप हीन हो, आपके पास कोई पैसा नहीं, धन हीन आ गया आपका। ऐसे ही गुणहीन हो गया, गुणों से हीन हो, कि आपके अंदर कोई गुण नहीं, गुण से हीन, तो गुण क्या हो गया, आपसे अलग हो गए, गुण से हीन। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अपादान के एग्जाम्पल है, गुणहीन गुणों से हीन, धनहीन धन से ही, मतलब धन नहीं आपके पास, और ऋण से आप कहाँ है, मुक्त, ऋण से आप मुक्त हो चुके हो। ऐसे ही आपका जलहीन जल से हीन आ गया, तो सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, जलहीन गुणहीन ऋणहीन, या फिर कोई अलग है तो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मतलब जो सही रास्ता था उसको छोड़ के आप गलत रास्ते पे चले स्टार्ट हो गए, पथ से भ्रष्ट हो गए होंगे, पथ से भ्रष्ट हो चुका है, पथ भ्रष्ट होता है रास्ते से, जो सही रास्ते उसको छोड़ के किसी दूसरे रास्ते से जुदा हो गया, किसी और उस पे चलने लग गए, गलत उस पे चले गए, तो पथ से भ्रष्ट। ये सब किसके एग्जांपल है, हमारे अपादान तत्पुरुष के एग्जांपल है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अरे यहाँ पर इसको कंफ्यूज होता ना, ये जो ऋण युक्त करवाया था ना, ये मैंने किसका करवाया है आपको, कर्ण का, सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए, अगर कोई चीज आपके साथ है ऋण से युक्त, कोई चीज अभी भी आपके ऊपर है, वो हमारे क्या हो जाएगी, हमारे कर्ण तत्पुरुष कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष की ही टाइप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, संबंध तत्पुरुष। इस समास में विभक्ति कौन सी होती है, का के या की, को नहीं होती, को हमारे इसमें थी कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति कहां थी हमारे कर्म के अंदर थी, यहां पे या तो का या फिर के या फिर की, ये आपको मिलेगी। जैसे है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र है, उसके बाद जैसे देश रक्षा, देश कि हम कि देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर देंगे, तो देश की रक्षा के लिए, देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। ऐसे ही है गृह स्वामी, गृह का स्वामी। ठीक है, तो गृह स्वामी मतलब घर का स्वामी कौन है, घर का स्वामी, देश की रक्षा, देश की रक्षा, राजा का पुत्र, तो विभक्ति कौन सी मिल रही है, तो का या के या फिर की। तो यदि हमारे समास का विग्रह करते हुए विभक्ति चिन्ह का के या की मिलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में भी संबंध तत्पुरुष कहलाएगा हमारा। ठीक है, जैसे पराधीन है, केवल और अधीन, पराधीन, पर माने दूसरों के, पर के अधीन, दूसरों के अधीन, उसको हम बोलते हैं पराधीन, वो तो दूसरों के अधीन है,
पर मनी पर दूसरों के अधीन, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो बताओ। सीधे सीधे बात है, तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, विभक्ति चिन्ह देखते हैं, विभक्ति संबंध किस में कौन सी होती है, या तो का या के या फिर की, तीनों के हमने एग्जाम्पल देख लिए कि का राजा का पुत्र, देश रक्षा देश की रक्षा, गृह स्वामी घर का स्वामी, पराधीन पर के अधीन। आपको सिर्फ विग्रह करना सीखना है, विग्रह करना आ गया तो समास को पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ विग्रह करना सीखना है, तो मैंने आपको साथ साथ में करवा भी रही हूँ, आप थोड़ा बहुत एक बार और इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करना, आपके पास जो भी समास का मटेरियल, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहां से पढ़ने की कोशिश करना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसके अंदर क्या है। अभी आपने सीखा है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसी टाइम पे साथ में रिविजन कर लोगे तो वो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होंगे हर एक टाइप के लिए। ठीक है, संबंध हो गया, उसके बाद लास्ट है इसी के अंदर अधिकरण मेंबर, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंदर क्या होगा हमारा, पहले बता चुकी हूँ, अधिकरण के अंदर विभक्ति क्या होती है हमारी, में या पर। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति कौन सी होती है, में या फिर पर। आपको ये देखना है विग्रह करने पर आपको ये आना चाहिए, तो जिस समास का विग्रह करते हुए आपके दो शब्दों के बीच में या पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, घर गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। ठीक है, घुड़सवार घोड़े पर सवार, घर प्रवेश घर में प्रवेश। तो जहां पर विभक्ति चिन्ह आपको शब्द का विग्रह करते हुए क्या मिलेगी, मैं या पर मिलेगी, उसको आप क्या कह देंगे, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। इस तरीके से है, जैसे लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय का बस विग्रह करना आना चाहिए, लोकप्रिय मतलब पता चल रहा, लोक मतलब संसार में प्रिय, लोक में प्रिय, संसार में प्रिय, लोगों में प्रिय, वो क्या करेगा, लोकप्रिय, अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हो जाएगा कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कहते तो कला श्रेष्ठ है, कुछ करवा लो उसे, कला में श्रेष्ठ है, कला श्रेष्ठ होता है, कला में श्रेष्ठ, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट हो जाता है। तत्पुरुष समास में हमारी छह टाइप की कर्म कर्ता निधि, इसको हमें छोड़ देना है, वैसे कार हो जाती है, कार हमारे कितने होते हैं, सात होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात है, वैसे तो संबोधन के अरे आठ होते हैं, कारण हमारे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे या अरे। लेकिन हमारे तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास में छह ही टाइप होते हैं, कर्म से स्टार्ट होगा और अधिकरण तक, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म की व्यक्ति को कर्ण की से संप्रदान के लिए आपदान से या अलग होने की सेंस, संबंध का के या की, अधिकरण में या पर। तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड करते हैं, अविभाव समास कंप्लीट हो गया है, तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया है, तो थर्ड हमारा कौन सा है, कर्मधारय समास, थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कौन सी कैटेगरी लिखा था, यहाँ पे कौन सा पद प्रधान होता है कर्मधारय में, उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में उत्तर पद या कह सकते हो बाद में आने वाला पद प्रधान होता है,
और क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि दोनों पदों के बीच में, या तो उपमान उपमेय वाला संबंध होगा, या फिर विशेषण विशेष्य वाला संबंध होगा, अब मुझे ये बताओ भाई, उपमान उपमेय सबको क्लियर है कि नहीं है कि उपमान उपमेय क्या होता है हमारा, उपमान में क्या होता है, उपमेय में क्या होता है, सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं है? उपमान क्या है? उपमान उपमेय, पहले उपमेय लिखते हैं फिर उपमान, करेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। उपमेय और उपमान क्या होता है, पहले तो आपको ये चीज क्लियर होना जरूरी है, तब आपको समझ आएगा कि कर्मधारय समास होता क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उसको बोलते हैं उपमेय। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है, उसको बोलते हैं उपमान। मतलब जैसे किसी का कहते हैं इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तो क्या कर रहे हैं आप, तुलना कर रहे हो। किसके साथ तुलना कर रहे हो? चंद्रमा के समान। बड़ा कौन है आप, मुख्य कौन है जिससे ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हो? वो आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चंद्रमा तो हो जाएगा उपमान, और जो मुख जिसकी आप तुलना कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? उपमेय। तो जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी, इस वर्ड से याद रखना, जिसकी और जिससे, जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको बोलते हैं उपमान। बस आपको याद रखना उपमान के लिए वर्ड होता है जिससे, जिससे तुलना कर रहे हो मतलब जो मेन है, मुख्य है, वो होगा उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो होगा उपमेय। ठीक है, जैसे चरण कमल है, ये चरणों की आप तुलना कमल के फूल के साथ कर रहे हो, तो बड़ा मुख्य कौन है आपके? कमल है। और कह रहे हैं इसके जो चरण है कमल के समान है, तो चरण तो हो गया हमारे उपमेय, और कमल का फूल, कमल का हो गया हमारा उपमान। मुख्य कौन है हमारा? कमल। और उसके साथ किसकी तुलना की जा रही है? हम चरणों की। तो चरण क्या होगा? उपमेय। तो जिसकी तुलना हुई वो उपमेय, जिससे तुलना हुई वो हो गया हमारा उपमान। ठीक है, उपमेय उपमान तो हमारा ये हो गया। तो एक चीज और यहाँ क्या है कि, या फिर विशेषण विशेष्य। अब विशेषण विशेष्य क्या होता है ये बता दो। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा या फिर जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। यहाँ पे वर्ड यूज करो जिसकी, जिसकी विशेषता बताई जाती है, लाइक उपमेय, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको तो बोलते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो होता है हमारा विशेष्य। और जो भी विशेषता बताई जाती है, जो भी विशेषता बताई जाती है कि बहुत सुंदर है, बहुत पुराना है, नीला है, काला है, कुछ भी, जो भी विशेषता बताई जाती है, मोटा है, पतला है, कुछ भी, जो भी विशेषण वाले शब्द होते हैं, जो भी विशेषता बताई जाती है वो हमारे क्या होते हैं? विशेषण। ठीक है, विशेषण तो सबको पता ही है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो भी शब्द विशेषता बताएंगे ना, जिससे पता चल जाएगी कोई विशेषता बता रहे हैं, नीले रंग की कार, काले रंग की कार, बड़ा घर, ऊंचा मकान, नीचा, ये कुछ भी, मतलब जो भी शब्द आपका संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले आपको उसकी विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो जो भी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको बोलते हैं विशेष्य। जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि काला घोड़ा, तो काला तो क्या है?
विशेषण शब्द, और आपका घोड़ा क्या है विशेष्य, विशेषता किसके बता रहे हैं घोड़े की बता रहे हैं। नीली कार, नीली तो क्या होगी हमारी विशेषण शब्द, और कार क्या होगी हमारा विशेष्य, कि कार की विशेषता क्या होगी, मैं नीले रंग की कार थी वो, तो विशेष्य क्या होगा हमारा कार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास में आपको दो ही चीज देखनी है, या तो वहां पर विशेषण विशेष्य वाला संबंध मिलेगा, या वहां पर उपमान उपमेय वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आपको याद रखना कि कोई एक शब्द है उसको कंपेरिजन किसी दूसरे शब्द के साथ किया जा रहा है, तो एक उपमेय होगा एक उपमान होगा, या फिर आपका शब्द ऐसा होगा जहां पर एक शब्द दूसरे की क्या बता रहा होगा विशेषता बता रहा होगा, मतलब एक विशेषण शब्द होगा और दूसरा विशेष्य होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। वो अब हम एग्जाम्पल से करते हैं कैसे, डेफिनेशन एक बार ये लिख लो, सब कुछ कवर है कि इस समास में उत्तरपद अथवा बाद में आने वाला पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय का या विशेषण विशेष्य वाला संबंध पाया जाता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है, उपमान क्या होता है जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है, विशेषण क्या होता है जो भी विशेषता बताई जाती है विशेषण होता है, और विशेष्य क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेष्य होते हैं। जैसे मैं कह दूं नीली कार, कार तो नीली तो क्या है आपका विशेषण शब्द, और कार क्या है आपका विशेष्य। ठीक है, नील कमल या फिर चरण कमल कहो, चरण कमल, चरण तो क्या है उपमेय, चरणों का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही किसके साथ कमल के फूल के समान, तो ये क्या है उपमान, बड़ा कौन सा है कमल, तो कमल तो हो गया उपमान, तो चरण क्या हो गया उपमेय, इसको लिख देना ताकि याद रह जाए, चरण कमल में चरण है उपमेय, कमल है उपमान, नीली कार में नीली है विशेषण और कार है विशेष्य। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, और ये आप तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप उसको नोट डाउन कर लो, इसमें कर्मधारय समास की सारी पहचान हमारे लिखे हुए कि कोई भी वर्ड यूज किया गया तो इस वर्ड का मतलब क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कर्मधारय का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके उदाहरण फटाफट, कर्मधारय समास के बहुत उदाहरण होते हैं। यह है चंद्रमुखी, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का मतलब चंद्र है, चंद्रमा चांद मुख वाले मुख, चंद्रमुखी चंद्र चांद के समान मुख वाले, किसके इतना सुंदर मुख है जो मतलब चंद्र का जैसा मुख है, तो चंद्रमा का तो होगा चांद, आपको सीधा सीधा मुख वाले हमारा जो फेस ही होता है मुख, तो मुख का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है चांद के साथ, तो यहाँ पर मुख तो क्या हो गया हमारा उपमेय, और चांद क्या हो गया हमारा उपमान, तो आपसे पूछा जाएगा चंद्रमुखी में कौन सा समास है, तो कहोगे चंद्रमुखी में कर्मधारय समास है, क्यों एक शब्द उपमान है दूसरा शब्द क्या है उपमेय है, उपमेय उपमान का संबंध है हमारा यहाँ पे, ये कह सकते हो। उसके बाद है चरण कमल, ऑलरेडी करवा लेते हैं चरण और कमल, चरण कमल में चरण तो क्या है उपमेय, कमल क्या है उपमान, ये भी क्या है हमारा कर्मधारय एग्जाम्पल है। ऐसे ही है मृग नयन, मृग और नयन, मृग के समान नयन, मान कहते हैं जिनकी आंखें बहुत सुंदर होती है मोटी मोटी होती है, तो मृग नयन का नाम क्या है मृग, तो क्या है उपमान, कि मृग के नयन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, नयन क्या है हमारी आंखें, किसी की आंखें उसकी आंखें मृग नयनी है, मतलब मृग के समान आंखों वाली है, तो नयन क्या हो जाएगा हमारा उपमेय, कि आंखों की तुलना मृग की आंखों के साथ की जा रही है। ठीक है, तो बड़ा कौन है मृग, तुलना किसकी हो रही है नयन आंखों की, तो नयन तो हो गया उपमेय शब्द और मृग हो गया हमारा उपमान शब्द। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो पीतांबर, ये इंपोर्टेंट है इसको देखना,
क्योंकि जो पीताम्बर शब्द है ना ये आपको कई समास में आएगा। पीताम्बर आपका आएगा बहुव्रीहि के अंदर भी। क्यों? पीताम्बर अगर पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र कैसे होते हैं? पीले रंग के। तो जब अगर इसका आपका विधि है इस प्रकार कर दिया जाए, पीले हैं वस्त्र जिसके, ना पीला इंपोर्टेंट है ना वस्त्र इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्या है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? जहां पर ना पहला पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, जो प्रधानता है वो किसी अन्य पद की है, जो होता है बहुव्रीहि। तो हमारा अगर इस तरह को शब्द दिया हुआ है तो अब उसके आप विग्रह से ही उसको पहचान पाते हो, अदरवाइज वो दोनों में चला जाता है। वो बहुव्रीहि का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, उसको कर्मधारय का भी। तो वो चीज पता कैसे चलेगी? इसके विग्रह से। पीताम्बर का मतलब अगर इसके विग्रह किया जाता है ऐसे, पीताम्बर मतलब पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है वही वस्त्र। किसी को नहीं पता है तो बता दो, अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। तो पीला है जो वस्त्र, यहाँ पर किसी की ये कह रहे हैं कि पीले हैं वस्त्र जिसके, वहां कहते कि कौन पहनता पीले कपड़े? भाई भगवान श्री कृष्ण। तो वहां पर तो एक प्रश्न की तरफ सही कर दिया, यहाँ पर सिर्फ ये कहते हैं कि वो वस्त्र जो पीले रंग के होते हैं। तो पीला है जो वस्त्र, जो वस्त्र की विशेषता क्या है? वो किस रंग का होना चाहिए? पीले रंग का। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्म धारिय समास। क्यों भाई? पीला तो हो गया हमारा विशेषण शब्द और अंबर हो गया हमारा विशेष्य, कि वस्त्र की विशेषता क्या है? कि वो पीले रंग का है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है यहाँ पर, अंबर या वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या है? विशेष्य। क्या विशेषता है? कि पीले रंग का है, ये क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा संबंध पाया जा रहा है? विशेषण विशेष्य का संबंध। अब विशेषण विशेष्य का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास के अंदर। ठीक है, तो आपको विग्रह से पता चलता है। कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो हमारे दो तीन समास में रिपीट हो जाते हैं, कि इसमें भी हमने एक दूसरे को लिया, इसमें भी। तो अगर उसका विग्रह करके दिया हुआ है तो हमारे लिए पहचाना बिल्कुल ईजी हो जाता है। अदरवाइज फिर अगर ऑप्शन हो एक ही देगा, या तो कर्मधारय देगा या फिर बहुव्रीहि देगा, दोनों को एक साथ नहीं देगा। अगर उसने इसका विग्रह नहीं किया, सिर्फ शब्द दे दिया पीताम्बर, तो पीताम्बर कर्मधारय का भी उदाहरण है और पीताम्बर आपका बहुव्रीहि का भी उदाहरण होता है आपका। ठीक है, और ऐसे ही अधमरा कह सकते हो आप। अधमरा मैंने मरा हुआ, तो मैंने आधा, तो आधा क्या होता है? विशेषण शब्द होता है। कई बार हम ना अधमरे को ले जाते हैं अव्यभाव समास के अंदर, कि व्यभिचारी समास में अध है तो ये हमारा उपसर्ग है। जैसे हमारे आगे हम उसमें अव्यय शब्द यूज करते हैं ना, आ नी वे सर भर दर, तो हम सोच देते हैं कि यहाँ पर ना अधमरा में अध कोई अव्यय शब्द है, इसलिए अव्यभाव समास कर देते हैं। नहीं, अध का मतलब क्या है? आधा। आधा क्या होता है? विशेषण शब्द है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो विशेषण शब्द है। और मर मैंने मरा हुआ इंसान की बात हुई, ये विशेष है। इसकी विशेषता क्या है? वो आधा मर चुका है, इतना इतनी बुरी हालत है कि अधमरा, अधमरी हालत हो जाता कि, तो उसको बोलते हैं हम अधमरा। भी किसका इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अधमरा का शब्द आता है। तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल है? कर्मधारय का। क्यों? अध का मतलब आधा, आधा क्या? विशेषण शब्द। मरा क्या है? विशेष्य। इसकी विशेषता कहते हैं कि वो आधा मरा हुआ। ठीक, तो ये हमारे कर्मधारय के एग्जाम्पल्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भी कौन सा था? द्वंद था ना, एक द्वंद करते करते द्वंद समास। द्वंद समास मतलब देखो यहाँ से भी पहचान करते हो, एक दव द्वंद, दो पद हैं, दोनों क्या हैं? जैसे इक्वल लेवल पे। ठीक है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब ना तो पूर्व पद ही कोई ज्यादा वो रहेगी ना उत्तर पद, दोनों पद क्या इक्वली, ठीक है, बराबर है, दो प्रधान, उसको हम बोलते हैं द्वंद समास के। ठीक है, द्वंद समास के एग्जांपल कैसे हो जाएंगे? माता पिता, माता और विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? माता और पिता। लाभ हानि के लाभ हानि होते रहते हैं, लाभ या हानि, लाभ हानि, लाभ या
हाँ जी, ऐसे भाई है, भाई और बहन, भाई बहन। तो मतलब इसमें मेन क्या होता है कि जब आप इसका विग्रह करते हो ना द्वंद्व समास के अंदर, तो उसमें या अथवा और इस तरह के शब्द निकल के आते हैं। जो हाँ, तो हमारी तत्पुरुष समास जैसे विभक्ति थी नहीं, का थी, को थी, मैं, पर, से, के लिए, यहाँ पर क्या होगा और अथवा या, इस तरह के क्या सब आए बीच में, या अथवा या और से जुड़े होते हैं हमारे शब्द। वो हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें बताई थी, द्वंद्व समास में क्या है, आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, सुख दुख, ठंडा गर्म, लाभ हानि, धन दौलत, कपड़ा लत्ता। कपड़ा लत्ता मतलब ये नहीं होता सिर्फ कपड़े की बात हो रही है, इसमें मतलब सब चीजें आ जाती है, कपड़ा और लत्ता। कपड़ा लत्ता भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, कपड़ा और लत्ता किसका एग्जाम्पल है हमारा, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल कहलाएगा। इसी तरीके से ऊंच नीच हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, कागज पत्र हो गया, एक चीज हो रहा है, हरिहर भीमार्जुन दिनों दिनों, हरिहर भीमार्जुन और दिनों रात, ये ध्यान। हरि हर भीमा अर्जुन दिनों रात क्या है हमारे, किसके एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास। हरि और हर, ठीक है, हरि माने भगवान, हर माने जो इंसान होते हैं, हरि हर यहाँ पे दोनों अलग अलग पद हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, भीम अर्जुन होता है, दोनों एक साथ लिख दिया, भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन ऐसा लगे, भीम प्लस अर्जुन से बन गया भीम अर्जुन। लेकिन दो शब्द है, दोनों ऐसा नहीं है कि यहाँ भीम मेन है कि अर्जुन मेन है, दोनों इक्वल है, भीम और अर्जुन। ऐसे दिनों रात है, बताया था उस टाइम में जो पहले आया था हमारा अव्ययभाव समास के टाइम पे, कि यहाँ पे दिन और रात दो अलग अलग पद है, दिन और रात, और उनको ज्वाइन करके लिख दिया है दिनों रात, ठीक है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, दिन और रात। तो ये हरिहर भीमार्जुन दिनों रात किसके एग्जाम्पल है हमारे, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। इतना सा है हमारे, सिर्फ द्वंद्व समास समझना क्या है, दोनों दोनों पद प्रधान होंगे अथवा या और से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वन द्विगु समास। ठीक है, इस समास को अभी हमने किसमें लिखा था, जिस समास में क्या होता है हमारा उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। कि जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, लिखा था ना। हाँ, द्विगु का जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो समय पूछ लिया जाता है, मैं समय स्पेसिफाई कर देती हूँ किसमें कौन सा प्रधान होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और प्रथम पद क्या होता है, हमेशा संख्यावाचक नंबर वाला होता है, तो हम सबसे पहले लेते हैं, हमें सबसे इजी लगता है, द्विगु और द्वंद्व समास सबसे इजी होते हैं, कि द्वंद्व में तो दोनों इक्वल है, माता पिता, लाभ हानि, ऊंचा नीचा, घर बाहर, कपड़ा लगता, समाज पत्र, इस तरीके से। और द्विगु के अंदर क्या होता है, आपका संख्या होती है, नंबर होते हैं, तो जिनमें भी नंबर आ जाएंगे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे देखने की क्या वो द्विगु समास का उदाहरण है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, और साथ में इसके अंदर क्या रहता है हमारा, और वह समूह की भांति प्रयुक्त होता है, और यह समास समूह की भांति, ग्रुप की भांति
प्रयुक्त होता है। ठीक है, वो हमारे क्या है, द्विगु समास है। समास उत्तर पद प्रधान है, जिस पर यह पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक होगा और यह समूह की भांति प्रयोग किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे पंचवटी है, पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाएगा। पांच वृक्ष हैं और उन पांच वृक्षों से मिलकर कहते हैं पंचवटी, तो वो किसको, एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, किसका ग्रुप है वो, पांच वट 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 का मतलब होता है बदल, जो इससे पेड़ होते हैं, पांच वट वृक्षों के समूह को उन्होंने एक साथ एक वर्ड दे दिया पंचवटी। पंच का मतलब फाइव, तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। अब क्या कैसे काम करेगा, एक ग्रुप, एक समूह की तरह काम होगा, तो पांच वट वृक्षों का समूह, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे त्रिलोक है, सप्ताह है, त्रिलोक सप्ताह, चतुर्भुज, ठीक है, त्रिलोक तीन लोक, तीन लोकों का समूह त्रिलोक कहलाएगा। हम कहते हैं ना आकाश पैदा करते हैं, जैसे तीनों लोकों का समूह की फर्स्ट पद थ्री का मतलब तीन, संख्यावाचक पद हो गया, प्रधान का लोक ही है, तीन लोकों का समूह, और ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, समूह की तरह काम कर रहे हैं, तीन लोकों का समूह, तो क्या हो गया, द्विगु का एग्जाम्पल होगा। ऐसे सप्ताह सात दिनों का समूह, उसने एक वर्ड यूज कर दिया सप्ताह, कि सात दिन को अलग अलग बोलने से क्या कहते हैं, हाँ सप्ताह, एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए, तो सात दिनों के समूह को बोलते हैं सप्ताह। ऐसे चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, क्या कहलाएगा, हमारा चतुर्भुज कहलाएगा। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, द्विगु के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, पहला पद संख्यावाचक होगा, नंबर का कोई होगा, संख्या को डिनोट करेगा, और वो पूरा पद आपका पूरा किसकी तरह काम करेगा, एक समूह की तरह काम करेगा, एक ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे पांच चीजें हैं, यहाँ पे तीन लोग हैं, यहाँ सात दिन, यहाँ चार भुजाओं से मिलकर बना है, ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास के उदाहरण हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और आती है, द्विगु थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो नंबर वाले होते हैं, एक्चुअल जो नंबर होते हैं, जैसे अगर आपको कोई भी संख्यावाचक अंक हो रही है आपके किसी जीरो से, तो द्विगु का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, कई बार आप आने लगे हैं, जैसे पूछ दिया 50, 50 या फिर 30 या 100, 10, जिसमें भी लास्ट पद क्या होता है आपका जीरो होता है, वो पद वो क्या होते हैं, हमारे द्विगु के उदाहरण होते हैं, द्विगु के उदाहरण होते हैं। लेकिन यहीं पे 10 की बजाय 11 दे दे, ठीक है, 50 की बजाय 55 दे दे, 55, 30 की बजाय 33 या 30 की बजाय 37 दे दे, तो यहां पर जो इनके अंदर जो समास होगा ना, हम कहीं पे कहते हैं कि आंसर है ना रोंग दिया होता है, तो मेरा 100% करेक्ट है, तो नंबर की संख्या दी हुई थी, तो इसका तो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर आपके नंबर जीरो से एंड नहीं होते ना, वो हमारे द्वंद के उदाहरण होते हैं, ना कि द्विगु के। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे समास में ध्यान रखना, नंबर ही है, जो नंबर आपके जीरो से एंड होंगे, 10, 20, 50, 30, 100, 150, 200, जो भी नंबर जीरो से एंड हो रहे हैं वो हमारे द्विगु कहलाएंगे, और जो नंबर हमारे जीरो से एंड नहीं हो रहे, कहीं मैम ऐसा क्यों, क्यों 37 है, तो 37 आपके एंड हो गए 30 और 7 हो गया 37, ऐसे 11 कैसे लिखते हैं, 10 सिखा दे ना, पहले छोटी क्लास में सिखा देते, 10 और 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, ऐसे 20, 20 और 1 21, 20 और 2 22, 20 और 3, छोटी क्लास में सरकारी स्कूलों में शायद अभी भी मिल जाए कहीं पे, वरना ऐसे अब तो नहीं सिखाते, लेकिन अगर फिर भी हम जो बच्चों छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखा देते, ऐसे सिखा देते हैं 20 हो गया, फिर 20 के बाद 20 और 1 21, 20 और 2 22, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लेके चलना, 11 मतलब क्या है 10 और 1,
11 यहाँ पे दोनों मेन है, 10 भी और 1 भी ना हो, अंदर सिर्फ 10 लिखोगे तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, 30 लिखोगे 7 छोड़ गया नंबर ही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पदों की इक्वल प्रधानता होती है। तो जहां पर नंबर आपके नॉन जीरो वाले होते हैं वो हमारे द्वंद के एग्जाम्पल होते हैं, किसके लिख लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वंद के एग्जाम्पल होते हैं। कौन से? जो भी नंबर आपके जीरो से एंड नहीं होते, तो यहाँ पे 11 लिख लो या 16 लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, जो भी नंबर जीरो से एंड नहीं होते हैं हमारे किसमें आते हैं? द्वंद में। लेकिन अब जीरो में ये मत लेके चलना, जीरो से लेके 9 तक सारे प्लस में, वो सारे जीरो से अंत होने वाले, अंत होने वाले लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 100 कुछ भी। तो जीरो से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है ना वो भी हमारी द्विगु में ही आते हैं। अब ये मत कहना कि मैम यहाँ पे तो 10 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सिर्फ सिंगल डिजिट में अगर नंबर होगा ना तो आप ये थोड़े बोलते 0, 1, 1, 0, 4, 4, तो 0 से लेकर 9 तक तो आपके द्विगु में आएंगे। उसके अलावा जो भी 0 से एंड होंगे जैसे 100, 20, 150, 200, 250 या कुछ भी, या सीधा सीधा 80, 70, तो जो भी 0 से एंड होगा वो और 0 से लेकर 9 तक की संख्या वो तो आपको लिख दिए द्विगु में। और उसके अलावा जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं अब वो 10, 10 से ऊपर ऊपर मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो उसको एक बार लिख लेना, कभी तुम मिक्स कर दो। हमें इसका क्या देखना है? मेन डिफरेंस देखना है। द्विगु में क्या आएगा? 0 से लेके 9 तक की संख्याएं और 0 से अंत होने वाली सभी संख्याएं, होने वाली सभी संख्याएं जैसे 10, 15, 100, 200 जो भी जीरो से एंड होंगे वो और जीरो से लेके 9 तक की, तो आगे द्वंद में 11 to 19, 21 से 29, 31 से 39 के बीच, मतलब जो भी नॉन जीरो से वाली है नंबर्स आपके ग्रेटर देन 10, 10 से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39, तो लेकिन जो भी है नॉन जीरो वाले, जो जीरो से अंत नहीं होती वे संख्याएं किसका उदाहरण होती है? द्वंद समास का उदाहरण होती है, उदाहरण होती है। क्यों? 11 का मतलब होता है 10 और 1 ऐसे, ऐसे किसी को लिख सकते हो। 25 का मतलब होता है 20 और 5, 25, ठीक है, ये हम द्वंद में लिखेंगे। और ये हम ये संख्याएं अगर आगे तो इसको आप द्विगु समास में लिख के आओगे, और ये संख्याएं आगे तो आप इसके लिए द्वंद समास में लिख के आओगे, ठीक है। ये है, ध्यान रखना है नंबर्स ही हैं। कई बार हम पेपर में आता है, एक बार आया हुआ था, मैंने खुद वो एग्जाम अटेंड किया था, उस बारे में क्या था कि आपका ऐसे 75 कुछ दिया हुआ था, तो हमने कहा नहीं 75 है तो ये तो भी द्विगु ही होना चाहिए संख्या वाचक की, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन 75 है तो वो किसमें आएगा? द्वंद में, कि 70 और 5, 75 होता है, तो आपको द्वंद का उदाहरण हो जाएगा ना कि द्विगु, ठीक है। अब लास्ट करते हैं हमारा, इसके अंदर हमारा जो लास्ट समास शेष रह गया है कौन सा? बहुव्रीहि समास। फिर हमारे समाज क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट रहता है, सिक्स टाइप हमारी बहुव्रीहि।
है हमारी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, और कोई अन्य पद या तीसरा पद, अन्य पद कह देते हो या तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे, जैसे हमारा मैंने आपको पहले बताया था, उदाहरण देख लो समझना आसान हो जाएगा। नीलकंठ, विग्रह करना सबसे पहले नीलकंठ, अगर इसका विग्रह करने जाए नीला है जो कंठ, किसका उदाहरण हो जाएगा, नीला है जो कंठ, सीधा नीला है जो कंठ, एक कंठ की बात करें जो नीले रंग का, तो वो हमारा किससे चला जाएगा, कर्मधारय के अंदर। लेकिन अगर इसको लिख दिया जाए जो हमें विग्रह होता है, लिखा जाए नीला है जो कंठ, अगर आपको पेपर में ऐसा लिखा मिलेगा तो आप इसको बता के आओगे कौन सा समास है, कर्मधारय। और यदि पेपर में लिखा हुआ आ जाए नीला है कंठ जिसका, मतलब किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, भी वो जिसका कंठ नीले रंग का है, तो हमें बताइए सबको, भगवान शिव, भगवान शिव, तो मतलब वो तीसरे पद के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहु व्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पीताम्बर आया था हमारा, पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो अंबर कह लो, और अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र, तो वस्त्र की बात हो रही है जो पीले रंग का है, तो कर्मधारय। लेकिन अगर लिखा आ जाए पीले हैं वस्त्र जिसके, मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो वहां पर डिपेंड करता है कि आपको विग्रह करके दिया है कि नहीं दिया, बिना विग्रह करके दिया है तो आपका इन दोनों से कोई भी हो सकता है, कर्मधारय या बहुव्रीहि, कर्मधारय बहुव्रीहि। लेकिन अगर विग्रह करके दे दिया तो वो आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि ये विग्रह कर्मधारय का होता है, इस तरह का विग्रह हमारा बहुव्रीहि समास का होता है। तो ये किसके अंदर आएगा, नीला है जो कंठ, एक कंठ की बात हो रही, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही, तो कर्मधारय। नीला क्या हो गया, विशेषण शब्द, और कंठ क्या हो गया, विशेष। यहाँ पे नीला है कंठ, शिव भगवान की बात हो रही, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें काफी हमारे अध्यापक आ सकते, जैसे इसमें उदाहरण आ गए, जैसे महावीर आ गया, महावीर, महान है जो वीर, जो वीर को किसके लिए यूज करते हैं, हनुमान जी के लिए यूज करते हैं, महावीर और तो भगवान हनुमान के लिए यूज करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, महावीर किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि का। तो महावीर लिखा गया तो महान है जो वीर, अब विशेषण में मत जाना कि महान है छोटा ये वो, कि हम इसको कर्मधारय करते हैं, महान है जो वीर, तो हमारा हो गया हनुमान जी के लिए जो बात हो रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, बहुव्रीहि का। पीताम्बर हो गया लंबोदर, हो गया लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, उधर पेट जिसका, किसका होता है, भगवान गणेश का। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, बहुव्रीहि का उदाहरण, लंबा है उधर जिसका आ गया गणेश। तो आपको क्या करके आना है, इसमें बहुव्रीहि समास करके आना। वैसे चक्र पाणि चतुर्भुज चार है भुजाएं इसकी, और चतुर्भुज हमारा वहां पे भी आएगा, ठीक है। लेकिन किसमें आया चतुर्भुज, द्विगु में, संख्यावाचक में आया ना, चार है, चार भुजाओं का समूह, तो जहां पे था चार भुजाओं का समूह वो तो क्या था हमारा, द्विगु का उदाहरण। और यहाँ पे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, किसकी है, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, बहुव्रीहि का। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको विग्रह देखना है तो आपको उसे भी देखना है कि किसी तीसरे पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है,
किसी भगवान के बारे में, या फिर आप एक और शॉर्टकट यूज करते हैं, मतलब जो भी हमारे ना मोस्टली जो भगवान के नाम होते हैं, जो भी हम वर्ड यूज ना, चक्कर पाणे या लंबोदर या गणेश, हर एक भगवान के काफी सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो जो भी भगवान के नाम होते हैं या फिर हमारे पर्यायवाची शब्द, वो किसके उदाहरण होते हैं? बहुवचन। ये शॉर्टकट कह सकते हो कि भगवान का नाम हो, भगवान का नाम, या आपका क्या कह सकते हो, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द अगर आ जाते हैं तो किसके उदाहरण होते हैं हमारे? जो हमारे उदाहरण होते हैं बहुव्रीही समास के। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखना, या तो आपको किसी भगवान का नाम दिख जाए, जैसे चक्रपाणि, लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ, चक्रपाणि, शशिधर, शशिधर, शशि माने चंद्रमा, धर माने जिसके शिखर पर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पर जिसके, मतलब जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा है, किसके है? भगवान शिव के है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुव्रीही का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मतलब जो भी भगवान के नाम हम यूज करते हैं ना, या कोई पर्यायवाची शब्द हम यूज करते हैं, वो सारे सारे किस में आएंगे? हमारे बहुव्रीही समास के उदाहरण होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है पहचाने, भगवान का नाम या पर्यायवाची शब्द अगर आए हैं तो किसके एग्जाम्पल है? बहुव्रीही। पर्यायवाची शब्द का मतलब जैसे मैंने लिख दिया जलज या पंकज, किसके है ये पर्यायवाची शब्द? कमल के फूल के, कमल के लिए जलज, जल में उत्पन्न हुआ है, जो कौन होता है जल में उत्पन्न? कमल का फूल। पंकज, पंकज का मतलब जो हमारे कीचड़ के अंदर जो पैदा होता है, वो क्या आपका क्या है? पंक, ये कमल का फूल। तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द किसके लिए यूज करते हैं? कमल के लिए। तो इसलिए कहा गया है तो अगर पर्यायवाची शब्द पाते हैं, पर्यायवाची शब्द मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर शब्द की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। तो जलज, जल में उत्पन्न कमल का फूल, पंकज कि आपका जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ जैसे कमल का फूल, तो ये हम क्या कहेंगे? बहुव्रीही के उदाहरण कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान के नाम और पर्यायवाची शब्द आप किसमें लिख के जाओगे? बहुव्रीही समास के अंदर। अगर आपको नहीं विग्रह करना आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप देख रहे हो कि किसी भगवान का नाम है या कोई पर्यायवाची शब्द है, तो उसको छोड़ने के बजाय क्या करो, उसको पर्यायवाची शब्द अगर है वो किसी का, तो आप उसको बहुव्रीही का उदाहरण करके आ सकते, ठीक है। देखने जाएंगे और सारे तरह मेजर हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए। इनमें एक दो चीज रहती है वो बताती हूँ मैं, अदरवाइज हमारे छह छह टाइप का क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गई है जो हमारे समाज में आती है। एक चीज और ध्यान रखना है, ट्रिक में हम कैसे याद करते हैं, जैसे द्विगु और द्वंद्व में हमने ट्रिक याद की थी ना, ऐसे ही जैसे हमारी जो संख्यावाचक है, और वो संख्यावाचक हमारी किस में आती है? बहुव्रीही में भी याद आती है और हमारी द्विगु में भी याद आती है। यदि संख्यावाचक है, संख्या यूज हो, संख्या यदि एक वचन की तरह यूज हो रही है, संख्या यदि बहुवचन की तरह यूज हो रही है, तो किसका उदाहरण दे? यदि कोई चीज क्या है, एक वचन हो या एक वचन का भाव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक वचन का भाव है तो बहुव्रीही। क्यों? जैसे चार भुजाओं का समूह हुआ तो चार अलग अलग भुजाएं हैं, उनका समूह है, चार चीजें एक साथ रख दिए तो चार भुजाओं का समूह, तो क्या था हमारा? चार, बहुवचन की सेंस दे रहा था, तो वहां पर हमारा कौन सा समास था? हमारा द्विगु समास था। लेकिन चार है भुजाएं जिसकी, एक पर्सन की तरफ बात हो रही है, वो चार भुजाएं किसी एक पर्सन की है, वो वहां पर सेंस किसकी आ रही है? एक वचन की आ रही है। यदि एक वचन की तरफ, या कह रहे संख्या एक वचन का भाव दे, ठीक है, संख्या यदि एक वचन की तरफ की तरह या एक वचन का भाव दे, का भाव हो, एक वचन का भाव हो तो बहुव्रीही, और एक संख्या है यदि बहुवचन का भाव हो, उसको हम बोलेंगे द्विगु समास। उदाहरण में चतुर्भुज वाले के लिए चार भुजाओं का
सगुण मतलब द्विगुण समास, और चार भुजाएं हैं जिसकी मतलब बहुव्रीहि समास। बताओ कोई डाउट है? संख्या है यदि एकवचन का भाव निकल के आ रहा है तो है बहुव्रीहि, संख्या है लेकिन यदि बहुवचन का भाव निकल के आ रहा है तो हम उसको कहेंगे द्विगुण। उदाहरण में हो गया चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, समूह आ गया, यहाँ ग्रुप आ गया, द्विगुण का उदाहरण है। यदि विग्रह का अर्थ है ऐसे चार भुजाएं हैं जिसकी एकवचन का भाव है, जिसकी एक प्रश्न की बात हो रही है एकवचन का भाव है तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि का उदाहरण। ये चीज तुम्हारी जो थोड़ी मेन थी मेरे को बताने लगे आपको बताना चाहिए। एक समास और आता है तुम्हारा जो हमने किसी टाइप में डिस्कस नहीं किया, लेकिन तत्पुर समास के अंदर हम एक कैटेगरी और डाल देते हैं निर्णय समास की, कि इसका मतलब क्या है, जहां पर भी नेगेटिव सेंस में निकल के आती है, ठीक है। इस समास के अंदर जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक, जिस समास में पूर्व पद में निषेध मतलब मना करने वाले निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, शब्द विशेष सूचक जैसे न, नहीं, मत, अ, अन, अ या अन, कहते हैं जिस समास के पूर्व पद निषेध सूचक है नकारात्मक शब्द, निषेध सूचक कह सकते हैं या फिर नकारात्मक, नकारात्मक शब्द न, नहीं, मत, अ, न आदि आ जाए तो जैसे उसको हम क्या कहेंगे निर्णय समास का उदाहरण लेंगे, जैसे अधर्म आ गया, धर्म के विरुद्ध आ गया अधर्म, ठीक है। तो अधर्म क्या हो जाएगा हमारा समास का उदाहरण हो जाएगा, समास का उदाहरण होगा अधर्म होगा, या आप कह सकते हो अनाचार, अनहोनी, अनहोनी, अना चार, ये सब के हैं अकर्ण्य समास के उदाहरण, अकर्ण्य समास के, अकर्ण्य समास के उदाहरण बना देंगे। जिस समास में पूर्व पद नकारात्मक या निषेध सूचक हो तो वहां पर आपको ये समास कहलाता है, अकर्ण्य समास कहलाता है, तो अधर्म अनहोनी अनाचार के हो जाएंगे, इसके हमारे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और कंप्लीट हो गया, तो हमारा यहाँ पे समास वाले टॉपिक का वो पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप देख लेना, पूछ लेना, कमेंट कर देना, अदरवाइज यहाँ पे अब हम समास को कंप्लीट करते हैं। सारे सिक्स के सिक्स टाइम हमारी अच्छे से हमने समझ लिए उदाहरण के साथ, रिवाइज प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि साथ साथ में आपको वो चीज सारी क्लियर हो जाए जो भी आपके डाउट हो। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक।